कि हम नारान आए हुए हैं नाश्ता करने। यहाँ पे मून होटल है, बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर हम नाश्ता पहले भी एक दफ़ा आए थे, इधर से किया था। और अभी तो यार फुल नींद आ रही है, तो गए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, सोए नहीं हैं। कल जाग रहा हूँ 7 बजे का, और अभी मेरे ख्याल से 7-8 बज रहे हैं। लो दोस्तों, अंडे से हमने स्टार्ट किया। इस वक्त तकरीबन 25 घंटे हो गए हैं जागते हुए, फुल थकान है। और अब हमने स्टार्ट किया अंडे से। लो यार, ये वाला था होटल। पराठे बहुत ज़्यादा मोटे थे और नमक बहुत था यार। बाकी अंडे वगैरह ठीक थे, लेकिन पराठे वगैरह बड़े मोटे और नमक बहुत अजीब सा था। सर घुमा दिया, इतना नमक था। और यार इस इलाके को कहते हैं बालाकोट। इससे आगे अब 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे है नारान का खान, जिधर अब हम जा रहे हैं। ठीक है, इधर हमने सिर्फ स्टे किया था नाश्ता करने के लिए। ठीक है, और अब हम आगे निकलेंगे। देखो कहाँ ज़िंदगी लेके जाती है। ये कोच है, पूरी फैमिली आई हुई है। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है यार यहाँ की ना। आप वैसे ही, हालांकि अब 25-26 घंटे हो गए हैं मुझे जागते हुए, लेकिन इधर आकर लगता है जैसे फ्रेश हो गए हो आप। बालाकोट होटल। बालाकोट की जो आबादी है ना, वो तकरीबन 2,73,000 है, 2,75,000 तक। ठीक है, ये पीछे लिखा हुआ था बोर्ड पे, इसलिए बता रहा हूँ। पोखरा यहाँ से तकरीबन 25-26 किलोमीटर आगे है। चश्मे बह रहे हैं इस वक्त। मैं इधर मुंह धोने आया था। 30 घंटे हो गए हैं मुझे जागते हुए। सर बहुत दर्द हो रहा है, तो बस सख्त ना यार, बट दिल कर रहा है जाकर सोएं किसी तरह। गाड़ी इधर अंदर गर्मी लग रही थी सबको, तो उन्होंने एसी चलवाने के लिए ना रोकी है। वो गाड़ी है हमारी, क्योंकि उस चढ़ाई पे चढ़ते हुए एसी चलाना इसका मुमकिन नहीं है, जो भी कंडीशन है। ये ट्राउट फिश है, कितने रुपये किलो? 25 रुपये किलो है भाई ये। और ये बड़ी महंगी मछली है, ये लाहौर में यही मछली 6-7 हज़ार रुपये किलो है। लो दोस्तों, ये पीछे होटल है हमारा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और आज का ब्लॉग अभी इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो लोग नए हैं बेल आइकन जरूर दबाएं यार। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मुलाकात होती है, ताकि ये मैं वो ब्लॉग एडिट करूँ और अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपको बताऊँ। अपना बहुत ख्याल रखो। लव यू ऑल।